to become healthier and fitter. Hit the subscribe button on notifications on karna mat bhoolna. So it gives me immense pleasure to welcome Sonakshi Gandhi to our podcast today to tell us a little bit more about our mental health and how to better take care of it. She holds an MPhil in clinical psychology and is the founder of The Mind Garden, a mental health clinic providing services to families, couples, and individuals. Let's put our hands together and welcome Sonakshi with open arms. I wanted to know ki iska real-term impact kya hota hai mental health pe. पहला सवाल ये कि हाउ डज स्ट्रेस इम्पैक्ट आवर मेंटल हेल्थ एंड इफ सपोज से अ यंग पर्सन और एनी पर्सन फॉर दैट मैटर इज स्ट्रेस्ड एट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हाट कुड शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म चेंजेस और सॉल्यूशंस दैट वन कैन इवेंचुअली इम्बाइब और यू नो इनिशिएट इन देयर लाइव्स सो या ये भी काफी मेरे हिसाब से बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर जनरेशन का और हर इंसान का स्ट्रेस में रहना नॉर्मल है क्योंकि हम सब ही किसी ना किसी स्ट्रेसर के साथ डील कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ नॉर्मल थिंग दैट एवरीवन इन आवर वर्ल्ड इज स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग और अनदर यू विल रेयरली फाइंड एनीबॉडी हु सेज कि मुझे स्ट्रेस नहीं है हो सकता है पीरियड्स हो आपकी लाइफ में पीरियड्स हो सकते हैं who might be not stressed at all I think we should connect with that person as well because wo to bhagwan hi hoenge so hum apne sab log apne apne level par stress ke sath deal karte hain hamari problems alag hoti hain aur hamare tarike bhi alag hote hain I think wo sabse pehla important point hai coming to your question pehle to hame ye samajhna zaruri hai ki stress hota kya hai hum jo ye word use karte hain itna what does it mean you know in more technical terms So stress is basically the body's response to pressurizing external circumstances. Okay. इसको हम trigger भी बोल सकते हैं, इसको हम stressor भी बोल सकते हैं. Stressor थोड़ा technical word होता है. But जब हमारी body react करती है physiologically, यानी कि physically respond करती है किसी trigger को, तो उसको हम stress कहते हैं. Okay. अब स्ट्रेस जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है एक ही टाइप का स्ट्रेस नहीं होता एक तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि मेरे को एग्जाम देने जाना है एग्जाम से पहले मुझे स्ट्रेस हो रहा है इंटरव्यू देने जाना है उसके पहले मुझे स्ट्रेस हो रहा है पब्लिक स्पीकिंग करनी है उसके पहले हो रहा है सो मोस्टली 90% ऑफ द पीपल विल फील स्ट्रेस्ड इन सच सिचुएशन दे आर नॉर्मल इनको हम कहते हैं अक्यूट स्ट्रेसर्स एकदम से आते हैं सर्कमस्टेंस के हिसाब से आते हैं और जैसे ही सर्कमस्टेंस खत्म होता है दे डिसअपीयर सो वन गिवन माय इंटरव्यू आई एम फीलिंग ओके माय सिम्टम्स आर ओनली लिमिटेड टू टिल आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू स्ट्रेस होता है जो कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है विच इज कॉल्ड क्रॉनिक स्ट्रेस नाउ दिस स्ट्रेस मे और मे नॉट बी हाई इंटेंसिटी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी बट उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होगा क्रॉनिक स्ट्रेस रहेगा और ये टाइप का स्ट्रेस जो है दिस इज द वन व्हिच इज मेजरली गोइंग टू इंपैक्ट आवर मेंटल एंड आवर फिजिकल हेल्थ अब क्या इंपैक्ट करता है ये स्ट्रेस और क्यों करता है जो बायोलॉजी है इसकी दैट सेज दैट जब आप क्रॉनिकली बॉडी को स्ट्रेस में रखते हो एक स्ट्रेसफुल स्टेट में होती है बॉडी देन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं देयर आर फ्यू केमिकल्स एंड हार्मोन्स दैट गेट रिलीज्ड इन आवर बॉडी व्हेन वी आर इन अ स्ट्रेसफुल स्टेट ऑफ माइंड थोड़े टाइम के लिए तो वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है हमें हेल्प भी करता है क्रॉनिक हो जाए तो बॉडी की इम्यूनिटी कम इसीलिए हो जाती है बिकॉज द बॉडी इज यूजिंग अप ऑल द रिसोर्सेज टू डील विद द स्ट्रेसर उसमें अपने सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं और हमें बाकी इलनेसेस को डील करने के लिए नहीं बचता कोई रिसोर्सेज नहीं बचते एंड एज अ रिजल्ट द इम्पैक्ट कैन बी ऑन योर फिजिकल हेल्थ लोअर्ड इम्यूनिटी higher chances of blood pressure, diabetes, obesity, even cancer for that matter. Cancer has been linked to high stress levels. ये सब हो गया आपकी physical health पर impact. Mental health पर impact होता है जब stress chronic हो तो anxiety बनने का chance होता है. It can become an anxiety disorder. It can become a depressive disorder. अगर आपकी family में genetic vulnerability है addictions की तो आपको एडिक्शन होने की भी क्षमता रहती है पोटेंशियल रहती है सो कमिंग टू व्हाट यू आस्क्ड कि हम इसको डील कैसे कर सकते हैं अगर स्ट्रेस है तो उसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान क्या रहेगा तो ये समझना जरूरी है मेरे ख्याल से कि
आपको स्ट्रेस का सोर्स आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आ कहाँ से रहा है, वेयर इज द स्ट्रेस एमिनेटिंग फ्रॉम, राइट? क्या वो सिचुएशन ऐसी है जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जो बस में है, और इज इट समथिंग दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई कंट्रोल, दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल एट ऑल, वो समझना मेरे हिसाब से जरूरी है. सेकेंडली, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, और ये मैं स्पेशली अपने क्लाइंट्स को हर बार बताती हूँ दैट यू नीड टू मैनेज योर स्ट्रेस थ्रू योर लाइफस्टाइल, विच मींस रेगुलेटेड गुड क्वालिटी स्लीप, गुड न्यूट्रिशियस एपेटाइट, and I think the third one which is very important is exercise and relaxation. Hum exercise ko, most of us think of exercise as really hard cardio, 45 minutes hum bas, matlab wo bhi exercise ka form hai, wo bhi bahut important hai, but it's also equally important to give your mind and body some relaxation. So through yoga, through meditation, through breathing exercises, वो करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है एक सपोर्ट नेटवर्क बनाना, फैमिली का, फ्रेंड्स का, कीप पीपल अराउंड यू हु यू कैन टॉक टू, वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगा. एंड आई थिंक अल्टीमेटली बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, आपको अपने आप से पहले तो सेल्फ कंपैशन दिखाना बहुत जरूरी है. इफ यू आर ओनली गोइंग टू बी अनकाइंड टू योरसेल्फ, स्ट्रेस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. वो तो इसी पे फीड कर रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी हार्ड ऑन योरसेल्फ. सो बी काइंड टू योरसेल्फ, दैट वुड बी माय अल्टीमेट एडवाइस. टू लिसन टू द कंप्लीट कॉन्वर्सेशन, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो.